जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर नाभादास जी से संबंधित। नाभादास भक्तमाली के रचयिता माने जाते हैं नाभादास, तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो पूरा अवश्य देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और इसी जो वीडियो है कवि और लेखक से संबंधित, यह सभी वीडियो आपके लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में क्रम से आपको वहाँ पर मिलेंगे। यह वीडियो तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से सबसे पहले। वहाँ पर आपके लिए कोर्स भी है, हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स टेस्ट सीरीज भी है वहाँ पर, जहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर भी चल रहा है। तो आप सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और ऑफर चल रहा है तो उसका फ़ायदा अवश्य लें आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नाभादास जी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नाभादास का जन्म कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर एक पूछा है आपसे यहाँ पर, नाभादास जी का जन्म कहाँ हुआ। नाभादास जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ए, और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि नाभादास जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1570 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर दो पूछा है कि नाभादास जी किस काव्यधारा के कवि थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है कि नाभादास जी किस काव्यधारा के कवि थे, भक्त भक्तिकाल या रीति का रीति सिद्ध रीतिबद्ध या रीति मुक्त। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर एक, राइट आंसर है आपका सही आंसर होगा बिल्कुल सही विकल्प नंबर एक जिन्होंने बताया है। अगला क्वेश्चन है नाभादास जी के गुरु कौन थे। नाभादास जी के गुरु बताना है क्वेश्चन नंबर तीन में क्या होगा राइट आंसर, कबीर या ध्रुवदास अग्रदास या मिस्किनदास। तो क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर बताना है, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर तीन का वह विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, अग्रदास गुरु थे नाभादास जी के, बिल्कुल सही। नाभादास जी की प्रसिद्ध रचना भक्तमाल में कितने भक्त कवियों का जीवन चरित्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है भक्तमाल नाभादास जी की, और इसमें कितने भक्त कवियों का जीवन चरित्र है। तो आपका सही आंसर है 200 विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। भक्तमाल की रचना कब हुई, रचना कब हुई भक्तमाल की ये बताना है। क्वेश्चन नंबर पाँच में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर पाँच, और आपका यहाँ पर सही आंसर है भक्तमाल की रचना 1585 में हुई। तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया, 1585 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है भक्तमाल में कितने छप्पे हैं, भक्तमाल में कितने छप्पे हैं, 205 400 316 200। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का राइट आंसर है क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है 316 है आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, भक्तमाल के प्रथम टीकाकार थे रामचरण साय थे या फिर रामप्रिय सहाय थे या प्रियादास थे हरिदास थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है, भक्तमाल के प्रथम टीकाकार पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है प्रियादास आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर यहां पर होगा। प्रियादास ने भक्तमाल की टीका कब लिखी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है, तो प्रियादास ने भक्तमाल की टीका कब लिखी ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर एक, यानी कि 1712 ईस्वी में, 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका लिखी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, किस आलोचक के अनुसार भक्तमाल में 157 छप्पे और 17 दोही है। भाई आलोचक का नाम बताना है, कौन है भाई आलोचक जिनके अनुसार भक्तमाल में 157 छप्पे और 17 दोहे हैं। तो 9 का राइट आंसर है डॉक्टर बच्चन से, विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, नाभादास जी के अष्टयाम में किसका जीवन चरित्र है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर अपने 10 पूछा है, नाभादास जी के अष्टयाम में किसका जीवन चरित्र है, श्री कृष्ण या शिव या फिर अगला विकल्प है राम या ब्रह्मा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा राम आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो पंक्ति नाभादास जी ने किसके लिए लिखी है। ये पंक्ति बताना है कि निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, ये जो पंक्ति है नाभादास जी ने किसके लिए लिखी है। तो ये जो पंक्ति लिखी है मीराबाई जी के लिए लिखी है, किसने लिखी है, तो यह लिखी है किसने, तो यह लिखी है नाभादास जी ने, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ भारतेंदु ने लिखा है, उत्तरार्ध भक्तमाल या भक्तनामावली या भक्तमाल या नव भक्तमाल। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ भारतेंदु ने लिखा है, तो राइट आंसर है उत्तरार्ध भक्तमाल आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है, इनमें से कौन सा ग्रंथ ध्रुवदास ने लिखा है, ध्रुवदास कौन से ग्रंथ के रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 13, और 13 का सही आंसर है
क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी भक्त नामावली। भक्त नामावली आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी राइट आंसर यहां पर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, सभी लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा ग्रंथ राधा कृष्ण दास ने लिखा है। राधा कृष्ण दास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 4, और 4 का सही आंसर है नावत राधा कृष्ण दास ने जो ग्रंथ लिखा है वह ग्रंथ है नवभक्तमाल। नवभक्तमाल राधा कृष्ण दास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। और क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, नावादास जी का निधन कब हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। नावादास जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके जो गुरु थे वह कौन थे, तो अग्रदास इनके गुरु थे। और इनका निधन कब हुआ, तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर है 1660 ईस्वी में इनका निधन हुआ था, तो बिल्कुल सही। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। तो सभी लोग सेल्फ स्टडी ऐप डाउनलोड अवश्य कर लें प्ले स्टोर से, क्योंकि वहीं पर आपके लिए जो है ये जो वीडियो है वहाँ पर भी आपको क्रम से वहाँ पर ये सभी वीडियो मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स भी मिल रहा है, वो भी यहाँ पर आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर चल रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर है, तो सभी में अभी ऑफर चल रहे हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।